नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग बिहार बोर्ड का टेंथ और ट्वेल्थ का अगर रिजल्ट देखना चाहते हो 2024 में तो दोस्तों आप लोग यहां पर बिहार बोर्ड का रिजल्ट कैसे देख पाओगे अपने मोबाइल से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको वेबसाइट लिंक मिलेगा उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे यहाँ पर आपको आ जाना इस वेबसाइट पे और दोस्तों यहाँ पर जब आ जाते हो आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत सारे लिंक्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लेकिन अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करना है सीधा आपको अपना रिजल्ट देखना है तो दोस्तों अभी जैसे कि यहाँ पर 2024 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है अभी आया नहीं है 2024 का रिजल्ट बस कुछ ही दिन में आ जाएगा यहाँ पर ठीक है एक से दो दिन का समय और लगेगा जहाँ तक नहीं तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के बारह बजे और कल हो सकता है जब तक ये मैं वीडियो डालूंगा तब तक हो सकता है कि रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट नहीं आता है तो आपको वेट करना जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसेस यही करना होगा जो अभी दो पर तेईस के लिए हम कर रहे हैं अगर आपको ट्वेल्थ का रिजल्ट देखना है तो आपको यहां पर नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है और अगर आपको टेंथ का देखना है तो आपको यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तो चलिए अभी हमें जैसे ट्वेल्थ का देखना तो हम यहाँ पे ट्वेल्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन वाले पे और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे इंटर रोल कोड लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना रोल कोड लिखना पड़ेगा 2024 का जब यहाँ पर अपडेट हो जाएगा लिंक अभी 2023 का ही है तो अभी चलिए हम 2023 का निकाल के आपको दिखाते हैं और इसी प्रकार से आप 2024 का भी देख पाओगे तो चलिए चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा रोक लेता हूँ और यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर ली है और दोस्तों यहाँ पर अभी जो मेरे सामने ये कैप्चा के टाइप में एक आ रहा है यहाँ पर हमें प्लस करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना होता है जितना भी होता है तो अभी जैसे कि यहाँ पर एट प्लस थ्री तो यहाँ पर इलेवन होते तो मैंने यहाँ पर इलेवन लिख दिया ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है जैसे आप सर्च रिज़ल्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा और आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप पास हुए हो तो किस डिवीज़न से पास हुए हो फेल हुए तो आपके आपके यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितने मार्क आए हैं वो सब आप यहाँ पर आकर के देख पाओगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि, कि किस तरीके से आप यहाँ पर बिहार बोर्ड के टेंथ और ट्वेल्थ का किस तरीके से आप रिजल्ट देख सकते हो दो में और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कॉमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो